बता रहे हैं बिलासपुर के मरवाही सदर निवासी ने पुलिस ने अमित जोगी को गिरफ्तार किया है। गलत जानकारी देने के आरोप में उन्हें गौरेला कोर्ट लाया जा सकता है। समीरा पैकरा ने उनके खिलाफ नागरिकता को लेकर जन्म प्रमाण पत्र में गलत जानकारी देने की शिकायत की थी। गौरेला के एसपी टीआई समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वास्थ्य शैलेंद्र पाठक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या और जानकारी? ये अमित जोगी की गिरफ्तारी हो गई है इस मामले में। कल समीरा पैकरा ने जिस तरीके से अमित जोगी के खिलाफ जो 7 महीना पहले मामला दर्ज कराया था कि तो अमित जोगी ने अलग अलग जन प्रमाण पर जमा किया है इन लोगों का बहरा और अमेरिका का अलग अलग, जबकि उसकी जाति जो है अमेरिका या उसका जन प्रमाण पत्र जो है अमेरिका का है और उन्होंने सार बहरा पर अपने कुछ जन प्रमाण पत्र जमा किया है। इसको लेकर के 7 महीना पहले समीरा पैकरा के चुनाव के दौरान जो सुमत पत्र अमित जोगी लिए ना उसको बेस बनाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी और उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हो रही थी लगातार। अचानक जो है कल माहौल बना और बढ़ी आगे और समीरा पैकरा ने आदिवासियों के साथ सैकड़ों आदिवासी साथ एसपी कार्य में घेराव किया। अचानक पूरी सक्रिय हो गई और कल रात में कल शाम तक देर शाम तक आदिवासी समीरा पैकरा के साथ बैठे रहे। उसके बाद पुलिस ने आज तड़के जो है अमित जोगी को उनकी तरफ से गिरफ्तार किया है। हम किसी काले कोट पे घर में थे और पुलिस ने वहां दबी थी और पुलिस उसको अभी कहां ले गई ये बताने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन अभी पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव से बात हुई, उनका ये कहना है कि अमित जोगी के खिलाफ जहाँ तक दिल्ली का मामला है गोरेला थाने में जो मामला दर्ज है गांव के दौरान जो सदर दूसरा पत्र किया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई खिलाफ प्रसारित की गई है और उनको गोरेला कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी पुलिस बिलासपुर पुलिस से गिरफ्तार उसको गोरेला थाना ले गई है, वहां से जो बाद की कार्रवाई होने के बाद उसको पहले मेडिकल उनका कराया जाएगा उसके बाद जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो कही जा सकती है कि इस तरीके से जो 7 महीने से पहले मामला पेंडिंग था, पुलिस हालांकि ये कह रही है कि जो 7 महीने से जो गिरफ्तारी की होती थी वजह है कि वो क्योंकि मामला विवेचना में था, विवेचना के दौरान था इसलिए वो गिरफ्तारी नहीं कर पाते। कल जिस तरीके से समीरा पैकरा ने दबाव बनाया आदिवासियों के साथ और एसपी ऑफिस पहुंची और ज्ञापन सौंपाई। शैलेंद्र, क्या किसी और का भी इसमें बयान आया? क्या किसी और का भी इसमें बयान आया? नहीं, अभी इसमें अमित जोगी ने जब बोल गाड़ी से जिस दौरान जा रहा है तो उनका ये कहना है कि बंदापुर की राजनीति है और वो सही है, वो वहां से समर्थकों को समर्थक को अंदर जाने नहीं दे रहे, उस तरह से पुलिस दे रहे तो बाहर कार इस गाड़ी में उनको ले जाया जा रहा है, उसमें बाहर खड़े होकर के खूब देख के कह रहे थे कि वो सही है गलत नहीं है और ये बड़ी बंधक की कार्रवाई वो सरकार पे आरोप लगा रहे थे। तो इस तरीके से अल्लाह कर सकते कि वो इसमें उनका वो पाकता होकर निकलिए, इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है, जो भी राजनीतिक बेस पर इस तरीके की बात वो कह रहे थे। इस अमित जोगी का यही कहना था कि जो कार्रवाई है पूरी तरह से राजनीति है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। और अब बड़ी खबर।